just the grassy. हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। जबरदस्त रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। निफ्टी करीब 300 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है आज। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,961 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,811। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, जो सेकंड टारगेट था उसके भी ऊपर ये ओपन हुआ और एक छोटा करेक्शन यहाँ पर दिखा के जैसे ही बाउंस बैक हुआ, डे हाइस को इसने जैसे ही ब्रेक किया तो ऊपरी लेवल पे वन वे यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिला 300 पॉइंट की बढ़त। तो जो हमने प्लान बनाया था प्री मार्केट प्लान, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, लेकिन लाइव मार्केट में जैसे ही डे हाईस को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा था तो ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज लाइव मार्केट में थी। तो प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ट्रेडिंग की। तो अभी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो 1 मार्च का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर फाइंड आउट किया था। एक प्रोबेबिलिटी थी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की, लेकिन ये जो हर्डल्स थे, पहले तो ये 20 EMA का हर्डल था, उसके बाद ये जो बियरिश कैंडल था उसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। तो कल एग्जैक्ट क्लोज हुआ था इस बियरिश कैंडल के हाई के पास, जो कि हमने वीडियो में कल के देखा था, और आज ज़बरदस्त यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच करे, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे। अगर ये क्लियरली ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो और तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। चलते हैं अभी 60 मिनट की चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कल के लिए, यानी 4 मार्च के लिए। निफ्टी इंडेक्स अगर आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो इस लेवल के पास आप देख सकते हैं, एक पास्ट में कुछ दिनों पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के ऊपर जब ये फॉल कर रहा था। तो जब इसने बाउंस बैक दिखाया तो इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, एक छोटा स्विंग हाई बनाया था। तो कल के हाई के ऊपर यानी अराउंड ऑलमोस्ट 15,282 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा क्विकली अराउंड 15,299, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,321, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा अगर 15,288 ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करता है तो। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था निफ्टी ने 4 दिनों पहले। तो इस लेवल को अभी जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो लेवल है 15,176, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,152। अगर 176 को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 15,152 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,127, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए है कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। कल का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कुछ मिनट, और जैसे ही यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक हुआ तो सेकेंड टारगेट भी इसने अचीव कर लिया, और सेकेंड टारगेट के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ वन वे रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए जाना पड़ेगा हमें 60 मिनट के चार्ट में। इसे कन्वर्ट कर देते हैं आर्ली चार्ट यानी 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये हो सकता है ये जो दो टॉप्स क्रिएट किए इसको अगर हम ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हो सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी कल एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो और बैंक निफ्टी में हमें तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस समय कल के लिए क्या ब्रेकआउट लेवल्स हो सकते हैं, ये जो लेवल है ये देखिए यहाँ पर एक गैप भी क्रिएट हुआ है पास्ट में, तो 36,467 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कल के लिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,552, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा।
और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,645, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ये अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है अराउंड 36,229, यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया पास्ट में, तो 36,229 के नीचे अगर चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,135, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,008, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, यानी 4 मार्च। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।